दिशा दिखाने वाला अगर सही मिल जाए तो दिए का प्रकाश भी सूर्य की तरह काम करता है। मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे सितंबर माह के राशिफल के बारे में, कन्या के बारे में, कि कन्या राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, क्या क्या बदलाव लेकर आएगा और अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, क्योंकि एक महीने का वक्त है और एक महीने की अवधि छोटी नहीं होती है। तो हमें भविष्य के बारे में जानने में वैसे भी उत्सुकता रहती है और कुछ हमारे काम के सिलसिले में भी हमें उत्सुकता रहती है कि कैसा समय हमें मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो शुरू करने से पहले, यानी कि राशिफल शुरू करने से पहले, मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे कुंडली विश्लेषण, उपाय, वास्तुदोष, कुंडली दोष या फिर ग्रह दोष के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे दी जा रही मेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर 8920341551 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का समय जो है वो रहेगा सुबह 10 AM से लेके 10 PM तक। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मेरे जो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे जल्द ही कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे और अपने सुझाव मुझे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में, कन्या राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना सामान्य से थोड़ा अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस समय ग्रहों और नक्षत्रों की बदली हुई चाल आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली है। प्रभाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। तो आइए जानते हैं आगे। ये माह आपका भाई बहनों से सहयोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होने वाला है और आप एक उम्मीद भी कर सकते हैं उनसे अच्छे सहयोग की। लेकिन अगर आपके उनसे रिश्ते पहले अच्छे हैं तो भी और नहीं भी, वो अगर आप उम्मीद करते हैं, उन्हें शो करते हैं, तो वो आपकी बात जो को आपकी किसी भी बात को वो जो ज़रूर मानेंगे। इस समय व्यापारियों की जो पांचों उंगलियां हैं वो घी में हैं, उनको बहुत लाभ होने वाला है। बिजनेस के लिए तो ये समय जो है वो बहुत ही शुभ रहेगा। ये समझ लीजिए, ये पत्थर की लकीर है, बिजनेस वालों को बहुत बड़ा फायदा इस समय हो सकता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो मेहनत के दम पर आगे बढ़ने वाले हैं और मेहनत जो रंग लाएगी आपकी आने वाले समय में, आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे और उस मेहनत की जो खुशी होगी, तसल्ली होगी, वो अलग ही आपको देखने को मिलेगी। और मेहनत के बल पर जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें मेहनत के बल पर अपने ऑफिस में अपने उच्च अधिकारियों को खुश करने का और उनसे अपने आगे के लिए भविष्य के बारे में विचार करने का मौका भी मिल सकता है और आपको इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि अगर वो आपसे प्रसन्न होंगे तो आपकी तरक्की भी हो सकती है।
जैसा आप चाहते हैं, आपके जीवन में वैसा समय आने वाला है और उस समय को संभाल के रखिएगा, क्योंकि चीज़ें आनी, खरीदनी और लानी आसान होती हैं, लेकिन उन्हें संभाल कर लंबे समय के लिए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस महीने में आप जो प्रेमी जोड़े हैं के लिए जो समय है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रेम के पाने के लिए, चाहे वो लड़की है या लड़का है, प्रेम को पाने के लिए आपका परिवार आपका साथ देगा, और परिवार का अगर साथ मिल जाए तो किसी भी चीज़ की क्या ज़रूरत है। इस समय परिवार का साथ आपको आपके प्रेम जीवन में तरक्की दिलाएगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो आपको कमर से निचले हिस्से में कोई परेशानी हो सकती है, कोई गंभीर समस्या भी परेशान कर सकती है, तो उस चीज़ से संभल कर रहें। अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी है वो भी आपको घेर सकती है, इसलिए ये जो समय है आपके लिए सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कठिन समय है। धन की दृष्टि से समय जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, और धन जो है वो स्वास्थ्य में खर्च भी होगा, तो धन जो है वो स्वास्थ्य में खर्च ना हो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर वैसे ही कोई बीमारी आ जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं है, तब तो खर्च करना ही पड़ेगा, लेकिन बेफजूल का कोई भी खर्च ना करें। धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि बिजनेस और नौकरी में बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेस वालों को तो जो पांचों उंगलियां हैं उनकी घी में रहने वाली हैं, इतना अच्छा समय उन्हें देखने को मिलेगा। उपाय क्या करना है कि कई बार चीज़ें बनते बनते भी बिगड़ जाती हैं, कई बार कुछ ग्रह नक्षत्र या फिर समय भी ऐसा होता है कि चीज़ें बनते बनते बिगड़ने लगती हैं, तो उसके लिए रोज़ाना सूर्योदय के समय सरस्वती वंदना ज़रूर करनी है, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो ये था कन्या राशिफल, कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लिए समय। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने अच्छे अच्छे सुझाव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करें, आपका दिन आपका समय मंगलमय हो। धन्यवाद।